यहाँ जर्मन गवर्नमेंट ने रूल निकाला है कि एक फैमिली के दो लोग ही बाहर शॉपिंग के लिए जा सकते हैं, ग्रोसरी का सामान लेके आ सकते हैं। अगर दो से ज़्यादा लोग मिले बाहर घूमते हुए तो उन्हें 200 यूरो जुर्माना है। और अगर अगर कई सारी फैमिली है, जैसे अलग अलग फैमिली के लोग ग्रुप बनाकर बाहर घूमते हुए या फिर घर में पार्टी करते हुए मिले तो उन्हें 250 यूरो जुर्माना ढाई सौ है। यूरो का जुर्माना है। और गवर्नमेंट ने ये कहा है कि जिनके बार कनाइपे इन्होंने ये बंद कर दिए हैं, और उन्होंने कहा है कि अगर बार कनाइपे अगर कोई खोलता हुआ मिला तो उसको 4,000 यूरो जुर्माना है, अगर रेस्टोरेंट अगर खुला हुआ मिला तो 5,000 यूरो जुर्माना है। एक बार में ये 5,000 करेंगे जुर्माना, अगर उसके बाद भी दोबारा खुला हुआ मिला तो इन्होंने कहा है कि जो भी 25,000 यूरो तक जुर्माना है। अब आते हैं भाई मकान के किराए के ऊपर। यहाँ की गवर्नमेंट ने यहाँ की पब्लिक के लिए इतनी हेल्प कर रही है। हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ हिमांशी और आप इस समय देख रहे हैं इंडियन गर्ल इन जर्मनी। तो इस समय मैं अपने घर से बाहर आई हुई हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है कि जर्मनी में लॉकडाउन हो चुका है, और लॉकडाउन हुए यहाँ पर एक हफ्ता हो गया है, और इस समय मैं अपने घर से बाहर हूँ। थोड़ा सा हम लोग मार्केट जाएंगे, वहाँ से थोड़ा सा सामान सब्जियाँ वगैरह लेके आनी है, और मैं आपको अपने घर के बाहर का नज़ारा दिखाती हूँ कि यहाँ पर आपको एक बंदा नहीं दिखाई देगा। मैं आपको दिखाती हूँ, तो देखिए आप यहाँ का नज़ारा, यहाँ पर आपको एक बंदा भी नहीं दिखाई दे रहा होगा। तो इसका मतलब ये है कि आप सोच सकते हैं कि जर्मनी में लॉकडाउन के बाद लोग यहाँ की जो गवर्नमेंट है उसको कितना फॉलो करते हैं, और लोग अपना अपने आप को कितना सुरक्षित रखते हैं घर में रहकर। तो इस समय हम लोग जा रहे हैं मार्केट, वहाँ से हम लोग थोड़ा सा सामान लेंगे और सब्जियाँ वगैरह लेंगे। उसके बाद हम लोग थोड़ा सा राउंड लेंगे यहाँ का, ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे, बाहर ही बाहर हम गाड़ी में बैठकर ही राउंड लेंगे, क्योंकि बाहर बेवजह जाना अलाउड नहीं है। आप ही सोच रहे होंगे कि ये जो दो तीन वीडियोस हिमांशी बना रही है ये सिर्फ गाड़ी गाड़ी कर के ही है, लेकिन क्या करें, बाहर जो बेवजह निकलना अलाउड नहीं है। इस वजह से सिर्फ घर से बाहर वही निकल सकता है जिसे या तो सुपरमार्केट जाना हो, कुछ सामान लेना हो, ग्रोसरी का सामान लेना हो, या फिर मेडिकल से कुछ दवाइयाँ लेनी हो। इसके अलावा किसी को भी बाहर निकलने की परमिशन नहीं है, और हम इसी वजह से सिर्फ गाड़ी में या फिर थोड़ा हम बाहर जो ग्रोसरी का सामान लेना होता है मार्केट में वहीं जा पाते हैं। जब सब कुछ ठीक हो जाएगा उसके बाद हम बाहर घूमने भी जाएंगे, और आपको बाहर के अच्छे अच्छे वीडियोस मिलेंगे जिसे आप इंजॉय कर सकते हैं। तो अभी हम लोग आते हैं मुद्दे पर। तो अभी हम लोग जा रहे हैं मार्केट, तो मार्केट में जाने से पहले हम मिलते हैं माई जी से। हेलो, स्पोर्ट्स क्लब है और जिम है और सारा कुछ बंद है, जॉब्स, ऑफिस, सारा कुछ, सब लॉकडाउन है, और लोगों को अपने घर के अंदर ही रहना है, बेवजह बाहर नहीं निकलना है। जर्मन में भाई लॉकडाउन हो चुका है और यहाँ पर कोई भी घर से बाहर नहीं निकलता है। जिस किसी को भी कोई सामान की ज़रूरत होती है खाने पीने की, वो ही सामान लेने के लिए घर से बाहर निकलता है, और सभी अपने घर के अंदर रहते हैं। और अभी आप देख सकते हैं कि ये रोड है वो समुंदर यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पर है, और ऐसे मौसम के अंदर इस रोड के ऊपर पूरी गाड़ियों की लाइन लग जाती है। और अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरा रोड खाली है, आगे से भी कुछ नहीं आ रहा और पीछे से भी कुछ नहीं आ रहा। यहाँ पे एक दो गाड़ियाँ ही आपको नज़र आएगी, क्योंकि जर्मनी लॉकडाउन हो गया है और इसका पालन यहाँ की पब्लिक कर रही है। और यही मैं अपने देशवासियों से भी कहना चाहता हूँ कि आप प्लीज़ अपने देश के जो नेता हैं, जो प्रधानमंत्री जी हैं मोदी जी, उनकी बातों पर गौर करें और घर से बाहर ना निकलें प्लीज़। ये मोदी जी जो कह रहे हैं वो अपने लिए नहीं कह रहे हैं, वो पूरे अपने पूरे देश के लिए कह रहे हैं, पूरी जनता के लिए कह रहे हैं। अभी मैं आपको दिखाता हूँ भाई, यहाँ पे जो समुंदर के साइड में यहाँ पे जो रेस्टोरेंट बार कनाइपे जितने भी हैं सभी को इन्होंने बंद कर दिया है। और अभी आप देख सकते हैं कि ये दोनों साइडों में यहाँ पे रेस्टोरेंट और बार कनाइपे हैं यहाँ पे समुंदर पे, और ये सभी लॉकडाउन के टाइम अभी उन्होंने 19 अप्रैल तक सारा कुछ बंद कर दिया है। और 19 अप्रैल तक यहाँ पे कुछ भी नहीं खुला होगा। उससे पहले अगर लॉकडाउन नहीं होता ये शहर जर्मनी, तो यहाँ पे इतनी भीड़ होती, यहाँ पे आप देख सकते हैं रोड एकदम खाली है। अभी आप देख सकते हैं कि सामने ये इक्का दुक्का लोग ही नजर आ रहे हैं।
और इतना अच्छा मौसम है यहाँ पे। अभी आप देख सकते हैं ये मैरिटाइम होटल है, ये यहाँ का जो समुंदर का यहाँ पे मैरिटाइम होटल है, जो यहाँ का सबसे ऊंचा होटल है और फेमस होटल है और 5-star होटल है। अभी सारा कुछ यहाँ पर बंद है। अभी आप देख सकते हैं कि इस साइड में ये आपके राइट हैंड में देखेंगे तो यहाँ पे समुंदर है और ये सड़क पूरी भरी हुई होती है। जब यहाँ पर टूरिस्ट इतने ज़्यादा आते हैं यहाँ पर कि यहाँ पे गाड़ियों की लाइन लगी हुई होती है। अभी हम जा रहे हैं घर की तरफ और रास्ते में ये आता है समुंदर। और ये आप देख सकते हैं ये पार्किंग है यहाँ की, जहाँ पे यहाँ पे जो फेस्ट लगता है, जो ट्रेमुंडे वो के जो मेला लगता है उसमें ये पार्किंग है पूरी। और ये पूरी पार्किंग अभी आप देख सकते हैं पूरी खाली है। ये पार्किंग इस साइड से आप देखिए पूरी पार्किंग खाली है। यहाँ पे एक दुके गाड़ी आई हुई है, और वरना इस मौसम के अंदर यहाँ पे पार्किंग करने के लिए आपको गाड़ी पार्किंग करने के लिए जगह भी नहीं मिलती है। और अभी यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि जैसे खाली ग्राउंड है। तो इस समय हम लोग बाहर आ चुके हैं अपनी शॉपिंग करके, ग्रोसरी का सामान लेके। तो इस समय हम लोग समुद्र के किनारे, गाड़ियों की पार्किंग है वहाँ पर हम लोग अभी खड़े हैं और सोच रहे हैं कि बाहर निकलें या ना निकलें, थोड़ा असमंजस में है। और इस समय मौसम इतना अच्छा है ना, वैसे तो यहाँ जर्मनी में धूप है ना कम ही मिलती है, और मौसम इतना अच्छा है कि जी कर रहा है कि हम लोग समुद्र पर थोड़ा घूम कर आएँ, लेकिन बाउंडेशंस है इस वजह से हम असमंजस में हैं कि बाहर निकलें या ना निकलें। सोचते हैं, देखते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि अगर बाहर निकलना भी पड़े तो आपको सोशल डिस्टेंस ज़रूर रखना चाहिए, दूसरे बंदे से आपको दूरी बनाकर रखनी चाहिए। क्या सोचते हैं आप इस बारे में? वो तो अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट ने भी कहा है कि अगर आप मार्केट में सामान खरीदने के लिए जाते हो या आप कोई अपने जो कोई भी अपना जो भी मेडिकल में जाते हो, कोई भी काम के लिए बाहर जाते हो, तो आप एक दूसरे से कम 1.5 meter की दूरी रखें। और आप यहाँ पे भी आपने मार्केट में हमारे पीछे वाले वीडियो में आपने देखा होगा कि यहाँ पे मार्केट के अंदर लाइन लगाई हुई है कि आपको उस लाइन के ऊपर खड़ा होना है, क्योंकि यहाँ पे 1.5 meter की दूरी जरूरी है। यहाँ जर्मन गवर्नमेंट ने रूल निकाला है कि एक फैमिली के 2 लोग ही बाहर शॉपिंग के लिए जा सकते हैं, ग्रोसरी का सामान लेके आ सकते हैं। अगर 2 से ज़्यादा लोग मिले बाहर घूमते हुए तो उन्हें 200 यूरो जुर्माना है। और अगर अगर कई सारी फैमिली है, जैसे अलग अलग फैमिली के लोग ग्रुप बनाकर बाहर घूमते हुए या फिर घर में पार्टी करते हुए मिले तो उन्हें 250 यूरो जुर्माना है। 250 यूरो का जुर्माना है। और गवर्नमेंट ने ये कहा है कि जिनके बार कनाइपे इन्होंने ये बंद कर दिए हैं, और उन्होंने कहा है कि अगर बार कनाइपे अगर कोई खोलता हुआ मिला तो उसको 4000 यूरो जुर्माना है, अगर रेस्टोरेंट अगर खुला हुआ मिला तो 5000 यूरो जुर्माना है। एक बार में ये 5000 करेंगे जुर्माना, अगर उसके बाद भी दोबारा खुला हुआ मिला तो इन्होंने कहा है कि जो भी 25000 यूरो तक जुर्माना है। अगर जो आदमी बार मिल रहा है उसको 200 यूरो जुर्माना है, अगर दोबारा वो एक गलती करता है तो गवर्नमेंट ने कहा है कि उसके ऊपर हम 25000 यूरो तक का जुर्माना कर सकते हैं। इसलिए लोग घरों से बाहर निकलते हुए डरते हैं, और वैसे भी यहाँ के जो लोग हैं वो वैसे भी गवर्नमेंट की बातों का जो वो कि पालन करते हैं। वो ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट ने कह दिया और वो अपने मन और मर्जी से बाहर घूम रहे हैं, ऐसा कोई नहीं करता। यहाँ पे सभी गवर्नमेंट के बातों का पालन करते हैं। और मैं यही अपने देशवासियों से कहना चाहता हूं कि प्लीज़ जो मोदी जी कह रहे हैं वो हमारे देश के लिए कर रहे हैं और हमारे देश के लिए कह रहे हैं, इसलिए उनकी बातों को आप ध्यान दीजिए। मोदी जी ने ये अच्छी बात कही है कि ये 21 दिन ऐसे हैं कि आपको घर में बैठना है, वरना हमारा देश 21 साल पीछे चला जाएगा। इसलिए प्लीज़ आप घर में रहिए, आप बाहर मत घूमिए। अगर बाहर घूमोगे और इस बीमारी को घर के अंदर लेकर आओगे तो ये बीमारी आपको और आपकी फैमिली को फिनिश कर देगी। और ये सबक लोगों को इटली से लेना चाहिए। इटली में भी स्टार्टिंग में ध्यान नहीं दिया गया था, और आप देख सकते हैं कि बाद में इनकी हालत क्या हो रही है इटली की। तो इसीलिए हम ये चाहते हैं कि हम अपने इंडिया में संभलें और जो अपने प्रधानमंत्री मोदी जी हैं उनकी बातों को अमल करें, उन्हें सुने। वो खुद के लिए नहीं कह रहे हैं, वो हम सबके लिए कह रहे हैं, हमारे खुद के लिए कह रहे हैं, हमारी फैमिली के लिए कह रहे हैं। तो इसीलिए हमें उनकी बातों को सुनना चाहिए। यहाँ पर एक और है कि अगर बार बार गलतियाँ करोगे तो यहाँ पे 25000 का जुर्माना है। जैसे कि अब आप सोचेंगे कि
कैसे पता चलेगा कि एक बंदे ने कई बार गलतियां कर दी? तो यहाँ पर ये होता है कि एक बंदे को जैसे पनिशमेंट दे दी, जुर्माना दे दिया, तो उसका नाम जो है वो कंप्यूटर पे चढ़ जाता है, जिसकी वजह से ये होता है कि अगर वही बंदा दूसरी बार तीसरी बार गलतियां करता है तो वो लोग देख लेते हैं कि इस बंदे का पहले भी जुर्माना हो चुका है, इसने पहली बार भी दे रखा है, दूसरी बार भी जुर्माना दे रखा है, तो इस वजह से एक बंदे के नाम पे कई रिकॉर्ड चढ़ते जाते हैं, उसको पनिशमेंट मिलती जाती है कि इसको फिर 25,000 तक जुर्माना देना होता है। इस वजह से यही है कि यहाँ की जो है जो जनसंख्या है वो 8 करोड़ है और हर एक आदमी का रिकॉर्ड इनके कंप्यूटर के अंदर है, आदमी का नहीं इनके कुत्ते बिल्लियों का रिकॉर्ड भी इनके कंप्यूटर के अंदर है। अगर आपका कुत्ता गुम हो जाता है तो इनके चिप होती है कान के अंदर, कुत्ते के स्कैन करके बता देते हैं कि ये उस आदमी का कुत्ता है। इसलिए यहाँ पर कोई भी गलती नहीं करता और गलती करने से पहले 100 बार सोचता है कि मैं गलती करूँ या ना करूँ। यही है कि यहाँ पे 8 करोड़ की आबादी है, हमारी आबादी 130 करोड़ है। ये सोच लो कि अभी जर्मनी में मोमेंट जो केस है वो 23,000 है, 23,000 केस हैं, और इनमें से आप सोच लो कि इटली के अंदर 68,000 है और यहाँ की गवर्नमेंट ने अपने हाथ खड़े कर दिए हैं, वो कह रहे हैं कि हम इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, हम क्या करें, हमारे बस की बात हमारे बस की बात नहीं है। आप ये सोचो कि यही आपदा हमारे देश के अंदर आएगी तो हमारा क्या हाल होगा। हमारी जनसंख्या 130 करोड़ है और यहाँ की है 7 करोड़ 8 करोड़, और यहाँ पे डेली केस इटली के अंदर मैंने कल देखा कि 4,000-5,000 केस डेली आ रहे हैं। जर्मनी के अंदर 3,000-2,500 केस आ रहे हैं, ठीक है। अगर हमारे देश के अंदर ये केस ऐसे आने लग गए तो हमारे देश के अंदर हजारों में नहीं लाखों के अंदर आएंगे। ये हालात यूरोप के हैं तो हमारे देश में होंगे तो क्या होगा। इसलिए प्लीज़ आप घर के अंदर रहिए और आराम कीजिए, आप और अपनी फैमिली को स्वस्थ रखिए और घर पर सेफ रहिए, घर से बाहर ना निकले प्लीज़। जब आपको ज़्यादा ही ज़रूरत है घर के लिए कोई सामान लेकर आना है तो ही घर से बाहर निकलिए, वरना घर के अंदर रहिए। ये आपके और आपकी फैमिली को सेफ रखने के लिए मोदी जी जो कह रहे हैं वो अच्छा कह रहे हैं और इस पर अमल कीजिए। यहाँ की गवर्नमेंट भाई जो यहाँ के लोगों के लिए बहुत सपोर्ट कर रही है और यहाँ की जनता है वो भी गवर्नमेंट को बहुत सपोर्ट कर रही है। इसलिए यहाँ की गवर्नमेंट ने कहा है कि जो भी लोग हैं जो जॉब कर रहे हैं उनको 80% सैलरी उनके अकाउंट्स में आएगी, और जो जो रेस्टोरेंट में काम कर रहे हैं या फिर जो अपने फर्मों में काम कर रहे हैं या फिर जो भी जो फ्रिजों की दुकानें हैं, तो उन सभी को गवर्नमेंट ने कहा है कि आपको 80% सैलरी आपके अकाउंट्स में आ जाएगी। अब आते हैं भाई मकान के किराए के ऊपर। यहाँ की गवर्नमेंट ने यहाँ की पब्लिक के लिए इतनी हेल्प कर रही है, उन्होंने मकान के किराए के लिए भी कहा है, रेंट के लिए कहा है कि अगर कोई अप्रैल से अभी सितंबर तक उन्होंने कहा कि अगर कोई मकान का किराया नहीं दे सकता तो उसको उसका जो मकान मालिक है वो उसको उसके मकान से नहीं निकाल सकता। अभी मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा यहाँ के रोड पे और जो समुद्र का एरिया है वहाँ पे। वैसे तो गर्मी के इस मौसम के अंदर यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, पर देखने में ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर मेरे को कोई भी नज़र नहीं आ रहा है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा इस मार्टिन होटल के उस साइड में जहाँ पे ये समुंदर है और वहाँ पर कितने लोग धूप सेक रहे हैं। मेरे को नहीं लग रहा कि वहाँ पर ज़्यादा लोग होंगे, शायद 1-2 लोग होंगे जो ऐसे ही घूमने के लिए जॉगिंग करने के लिए। एक और बात ये है कि यहाँ पर जॉगिंग अलाउ है, आप सुबह जॉगिंग के लिए निकल सकते हैं, शाम को निकल सकते हैं, क्योंकि अकेले होते हैं जॉगिंग वॉक कर सकते हैं, लेकिन सोशल डिस्टेंस का उसे पालन करना होगा, दूसरे से दूरी बनाकर रखनी होगी, तभी ये सक्सेस हो पाएगा। ये जो कानून ये जो कहा है उन्होंने गवर्नमेंट ने, हमें 1.5 मीटर की दूरी एक दूसरे से बना के रखनी होगी। यही है भाई, सावधानी में ही बचाव है। प्लीज घर से बाहर तभी निकलो जब आपको किसी चीज की ज्यादा जरूरत हो, और जब किसी चीज़ की जरूरत ना हो फालतू में घर से बाहर ना निकलो। ये टाइम आपको मिला हुआ है, घर पे बैठो, इंजॉय करो, खाओ पियो, हैं पकोड़े मनाओ, चाय मनाओ, चाय पकोड़े खाओ, हैं इस मौसम के अंदर दिल तो हमारा भी करता है बाहर घूमने के लिए। देखो कितना अच्छा मौसम है, वैसे जर्मनी में इतनी धूप नहीं निकलती है, हैं पर निकले भी है फिर भी हमने अपने मन को मार के अंदर बैठे हुए हैं, बाहर नहीं निकल सकते, मजबूरी है। इसलिए इस मजबूरी को समझो और प्लीज़ घर के अंदर बैठ जाओ।
वरना आगे आने वाला समय हमारे इंडिया के लिए ये 3 वीक इतने अच्छे हो जाएंगे अगर सभी घर के अंदर बैठ जाएंगे तो।